नमस्कार दोस्तों, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। ये एक ऐसी पंक्ति है जो हम सभी ने सुन रखी है और ये हम सभी जानते हैं कि मन को मजबूत किए बगैर तो किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचा पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। बात समझने की ये है कि जो इंसान अपनी आदतों को नहीं बदल सकता वह अपनी जिंदगी को कैसे बदल पाएगा। किसी भी काम को पूरा करने के लिए विल पावर की जरूरत होती है और विल पावर सीधा सीधा मन से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पे आप तय कीजिए कि मैं रोज सवेरे 10 मिनट दौड़ूंगा या रोज सुबह 7 बजे से पहले नहा लूंगा, रोज इस फलाना किताब के 10 पन्ने पढ़ लूंगा, यहाँ तक कि ये तय कर लीजिए कि मैं रोज नहाने के बाद ही खाऊंगा, उसके पहले नहीं खाऊंगा। कई लोगों के लिए तो ये भी बहुत मुश्किल काम है। एक दो दिन तो ऐसा किया जा सकता है, पर महीने भर ऐसा करो तो पता चलता है कि हमारा विल पावर कितना स्ट्रांग है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी छोटी छोटी आदतें ही बड़ी बड़ी सफलताओं का कारण बनती है और जो इंसान आदतों को नहीं बदल सकता वह हार को जीत में नहीं बदल सकता। तो सवाल यह है कि मन को कैसे मजबूत किया जाए। पहला है मेडिटेशन। ध्यान लगे या ना लगे, एक घंटा आंख खोलकर मूवी देखना आसान है, पर एक घंटा बंद करनी हो तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है। दूसरा, कोई भी डेली लाइफ से जुड़ी एक दो चीज जो यूजुअली आप रोज करते हो या करना चाहते हो, जैसे एक्सरसाइज, नहाना, खाना, रीडिंग, उसे समय पर पूरा कीजिए। इससे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड होगा जो सीधा सीधा मजबूत मन से जुड़ा हुआ है। तीसरा, ऑलवेज हैव अ डेडलाइन। अपने काम की समय सीमा निर्धारित कीजिए कि इतने दिन तक या इस तारीख तक मुझे इस काम को पूरा करना है। जब आप अपने टारगेट्स को पूरा करने लग जाओगे, अपने आप आपका मन मजबूत हो जाएगा कि जब मैं पिछली बार इस काम को पूरा किया था तो इस बार भी कर सकता हूँ। याद रखिएगा, वंस यू स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स, इट बिकम्स एन एडिक्शन एंड दैट्स लाइफ। जय हिंद।